दोस्तों, अगर आपने स्त्री टू ये फिल्म देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि इसमें अक्षय कुमार का केमियो है, और साथ ही आपको ये भी पता होगा कि इसमें मुंजा, भेड़िया, स्त्री, इन सभी फिल्मों का एक यूनिवर्स बनाकर इन फिल्मों के कैरेक्टर एक दूसरे के फिल्म में एज अ केमियो दिखाकर अपनी अपनी फिल्मों का हाइप बढ़ाने का एक नया निंजा टेक्निक बॉलीवुड को मिला है, और इसीलिए अब भेड़िया में स्त्री दिखाई देता है या फिर स्त्री में अब भेड़िया दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अक्षय कुमार का केमियो जब आता है तब समझ नहीं आता कि ये आखिर किस फिल्म से आया है। तो दोस्तों, आपको बता दो कि अक्षय कुमार का जो एक केमियो दिखाया गया है, उस केमियो की जो फिल्म होने वाली है उसको अभी तक शूट नहीं किया गया। स्त्री टू में यानी इस फिल्म में अक्षय कुमार को एक पागल के अस्पताल में दिखाया गया है जो अपने आप को शाहजहान समझता है, और वो समझता है कि ताजमहल का काम अभी भी चल रहा है। और स्त्री टू का जो विलन है सरकटा, वो अक्षय कुमार अपने ही फैमिली का मेंबर है ऐसा बताता है, और सरकटे को मारने का आइडिया भी अक्षय कुमार ही देता है। तो खैर, अक्षय कुमार की वो कौन सी आने वाली फिल्म है जिसको इस यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाने वाला है, इसके बारे में ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन इस फिल्म से नहीं आती, लेकिन इतना तो तय है कि अक्षय कुमार की एक हॉरर फिल्म बनाई जाएगी जो मुंजा, भेड़िया और स्त्री के साथ इस यूनिवर्स में कनेक्ट हो जाएगी।